नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और हम बातें कर रहे हैं रैपिड रिवीजन, यानी बहुत तेज रफ्तार से रिवीजन की बातें कर रहे हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की सीधे मुद्दे की बात करते हैं। लास्ट टाइम अपन नए फोर्सेस के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अपन नॉर्मल रिएक्शन की बात कर चुके थे। टेंशन नाम का नया आइटम हमारी जिंदगी में आया था, टेंशन फोर्स के बारे में बातें कर चुके थे। टेंशन फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग लगता है और वो हमेशा खींचता है, वो लेंथ की स्ट्रिंग के लेंथ के इंक्रीज होने का अपोज करता है। वही नॉर्मल फोर्स वो है सर्फेस के पेंडिकुलर लगता है और वो सरफेस को कंप्रेस करने की कोशिश करता है। उसी कड़ी में एक नया फोर्स हमने सीखा था वहां पे, स्प्रिंग फोर्स। तो आइए देखते हैं स्प्रिंग फोर्स और फिर आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग फोर्स बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान सा। मान लीजिए कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, मैंने कहा अच्छा भाई ये स्प्रिंग मान लिया है, इसका नेचुरल लेंथ मान लीजिए एल नॉट है और स्प्रिंग कांस्टेंट के है। इसको अगर अपन खींचते हैं अगर इसकी नेचुरल लेंथ से इसको डिस्टर्ब करते हैं, इसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाता है। अगर आप खींचेंगे ऐसे तो फोर्स जो है इस तरह से लगेगा कि वो अपनी नेचुरल लेंथ को फिर से अटेंड करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण होता है। बाकी आपने इलास्टिसिटी अपने आप में एक चैप्टर पढ़ा है, तो ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो स्प्रिंग फोर्स है, मैं इसको F इक्वल टू माइनस ऑफ के इनटू एक्स बोल सकता हूं। एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ से जितना डिस्प्लेस करेंगे, और के क्या है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग अलग होता है। वैसे अगर आसान भाषा में बात करें तो ये जो के होता है वो मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको ध्यान से देखें, एक चीज अपन बोल देते हैं कि अगर मान लीजिए इसकी लेंथ एल है और ये के है, तो इसके लिए के इंटू एल कॉन्स्टेंट होता था, अगर है ना। काफी जगह काम आता है, एक स्प्रिंग को काट दिया, सीरीज में जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया, फिर टाइम पीरियड पूछते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऐसे खूब सारे सवाल बनाए जाते हैं कि एक स्प्रिंग को एन इक्वल पार्ट में तोड़ दिया, फिर सबको पैरेलल में लगा दिया, अब एक ब्लॉक जोड़ दिया है जो कि एचएसएम कर रहा है, तो टाइम पीरियड बताइएगा। तो ऐसे खूब सारे सवाल आते हैं, तो हमें पता होता है कि के इंटू एल कॉन्स्टेंट होता है, यानी के वन एल वन इज इक्वल टू के टू एल टू। आप बोले तो इसका प्रूफ भी बता सकते हैं, इलास्टिसिटी से प्रूफ बताया जा सकता है। जैसे एक रॉड है जिसका मास मान जिसकी लेंथ मान लीजिए एल है, इस पे हमने फोर्स लगाया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है ना, यंग्स मॉडुलस वाई है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एफ डिवाइडेड बाई ए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बटा एल स्ट्रेन हो गया है, जो कि यंग्स मॉडुलस के बराबर होना चाहिए। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो ये फोर्स जो है वो इस फोर्स के बराबर होता है। अगर आप ध्यान से देखें जो स्ट्रेस लिखते हैं उसमें इंटरनल फोर्स डेवलप्ड डिवाइडेड बाई, और जो ये इंटरनल फोर्स डेवलप होता है वो इसके बराबर ही होता है, क्योंकि अपन स्लोली स्लोली खींच रहे होते हैं ना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, स्ट्रेस बताए ना, स्ट्रेस इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, उसमें ये बाहर वाला फोर्स नहीं होता, बॉडी के अंदर जो है इंटरनल फोर्स होता है, लेकिन अपन स्लोली स्लोली उसको इंक्रीज कर रहे होते हैं, तो ये जो फोर्स है वो इसके बराबर ही होता है। अच्छा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, ये जो है ये रीस्टोरिंग फोर्स है ये वाला है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से एफ को क्या लिख सकता हूं मैं, एफ को मैं लिख सकता हूं यंग्स मॉडुलस इनटू ए डिवाइडेड बाई एल इनटू डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या है, लेंथ में चेंज है, तो ये आपका के इनटू डेल्टा एल के फॉर्मेट में आ गया। यानी कि जो के है वो वाई ए, अगर आप ध्यान से देखें तो आप क्या पाइएगा कि बेसिकली वाई ए के आपका क्या है, वाई ए डिवाइडेड बाई एल है, वाई ए डिवाइडेड बाई एल है, जो कि क्या हो जाएगा, जो कि कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, कौन सी वाली, वाई ए बटा एल को आपने एक कांस्टेंट वैल्यू ली है, जो किसी पर्टिकुलर जो है लेंथ एल है वो फिक्स होगा, एरिया फिक्स है, यंग्स मॉडुलस फिक्स है, पॉइजन रेशियो कंसिडर नहीं कर रहे हैं अपन। वाई ए बटा एल आपके लिए कांस्टेंट हो गया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो के इंटू एल की वैल्यू वाई इंटू ए आ रही है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, तो के वन एल वन इज इक्वल टू के टू एल टू आप यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक स्प्रिंग है जिसका लेंथ एल है और स्प्रिंग कांस्टेंट के है, अगर इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया लेंथ एल बाई टू हो जाएगी, के क्या हो जाएगा, टू के हो जाएगा, है ना। या अगर इसको एन इक्वल पार्ट में तोड़ दिया तो एक लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, एल बटा एन हो जाएगी, तो ये एन के हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखिए, एल एन टू के आ रहा है ना यार, तो एल वन के वन इज इक्वल टू एल टू के टू, ये यूज करते हैं स्प्रिंग के लिए। बाकी स्प्रिंग में फोर्स इतना सा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है आपका
हाफ की एक्स स्क्वायर। अगर मेन पोजिशन पे नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ले, है ना, बाकी वो आगे अपन बातें करते हैं। स्प्रिंग थोड़ी आलसी होती है, सडनली उसका फोर्स चेंज नहीं होता है अंटिल एंड अनलेस उसको बीच में से काट दिया जाए। तो खैर काटने वाले सवाल अपन सेपरेटली सी में आगे करते हैं। स्प्रिंग फोर्स अपने लिए आ गया है माइनस ऑफ के इंटू एक्स, के इज द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट जो कि हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। मटेरियल पे अलग अलग, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, ये ध्यान रखना कि के इंटू एल क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, तीन तरह के नए फोर्सेस जो है हमने यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जाने थे और फिर अपन बढ़ गए थे आगे। आगे जाके अपने ना आप देखेंगे तो लेक्चर्स में खूब सारे सवाल किए हैं डायनामिक्स से रिलेटेड। डायनामिक्स से रिलेटेड मतलब बॉडी वहां पे मूव की है, हमारी बॉडी क्या की है, मूव की है, यानी वो चल रही है। तो यानी सवालों में F इजिकल टू ma लगा है, क्या लगा है सवालों में, F इजिकल टू ma अपने को लगाना था और एंजॉय करना था। तो एक दो सवाल करते हैं यहाँ पर और फिर आगे बढ़ते कंस्ट्रेंट पे। मेरा आपको तात्पर्य यहाँ पर रिविजन में ये बताना है कि भैया कॉन्सेप्ट जो है वो ये वाले हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट है और ऐसे ऐसे सवालों में लगाए जाते हैं। बाकी सवाल बुकलेट वगैरह में खूब सारे हैं, आप सॉल्व करिएगा तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा और कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे। जैसे मैं आपको एक सवाल बोलूं कि भैया यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखें, एक आसान सा सवाल बनाते हैं, मान लो कि यहाँ पे ऐसा है, क्या है, दो ब्लॉक है, एक का मास एम है, एक का मास एम है और ये वाला एंगल मान लीजिए 37 डिग्री है और ये सरफेस पे रखे हुए हैं, ये सरफेस पे रखा हुआ है और ये सरफेस कैसी है। मैंने कहा ये वाली सरफेस है हमारे लिए स्मूथ सरफेस है। कैसी है, स्मूथ सरफेस है। माना कि इधर की तरफ से फोर्स लग रहा है 2F और इधर की तरफ से एक फोर्स लग रहा है F, और आपको बोले कि जो कॉन्टेक्ट सरफेस है यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा। एक आसान सा सवाल यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल के लिए एक सवाल ले रहे हैं। आप इस सवाल को तुरंत कर डालिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही लल्लू गुल्लू सवाल है, फिर भी अपन ले रहे हैं। मान लो कि मैं ऐसा आपको सवाल बोल दूं कल को कि यार ये देखिए ये 2 kg है, इसके बगल में मैंने क्या रख दिया है 3 kg रख दिया, इसके बगल में मैंने क्या रख दिया है 5 kg रख दिया है, है ना, और आपको बोले कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे नॉर्मल कितना होगा। अभी तो आप बोलेंगे 0 होगा। मैंने कहा मैंने इधर से मान लो कि 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है और सरफेस कैसी है। मैंने कहा सरफेस यहाँ पे स्मूथ है। तुरंत बता दीजिए, दोनों सवाल बहुत ही लल्लू है, तुरंत बता दीजिए एकदम गोली की रफ्तार से, ताकि अपन आगे बढ़ पाए जो है पुली ब्लॉक वाले कुछ सवाल देखेंगे। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, आपको क्या लग रहा है कि पूरा सिस्टम उधर की तरफ प्रस्थान करेगा क्योंकि नेट फोर्स यहाँ पे 0 नहीं है। सिस्टम इसको अगर ले लेंगे तो 2F इधर लग रहा है, F उधर लग रहा है, तो एक्सेलरेशन उसकी इस डायरेक्शन में आने वाली है, कितनी होगी। मैंने कहा 2F माइनस F नेट फोर्स F हो गया है डिवाइडेड बाई टोटल मास जो कि 2m है, जो कि क्या है 2m, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अब आपको यहाँ पे चाहिए नॉर्मल इनके बीच में, इनके बीच में, तो आप किसी का FBD बना दीजिए। मैंने कहा इसका FBD बना देते हैं, ये वाले पार्ट का। इसमें क्या होगा अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा है, ये वाला एंगल आपके लिए क्या है, ये वाला एंगल है आपके लिए 37 डिग्री। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स है ये 2F फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है 2F फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे इस वाली सरफेस पे नॉर्मल लगेगा आपके लिए ऐसे सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। लगेगा कि नहीं लगेगा भाई साहब, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखें ये एंगल अगर 37 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी आपके लिए क्या होगा 37 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 53 डिग्री, है ना भाई साहब। तो अगर आप ध्यान से देखें 53 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये जो है सरफेस उससे ये परपेंडिकुलर रहने वाला है, ये एंगल आपका 37 डिग्री है, तो ये वाला 37 डिग्री हो गया, तो ये वाला क्या होगा 53 डिग्री। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, उसका हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा आपका एन कोस 53 डिग्री की 3/5 वैल्यू हो गई है। तो इधर की तरफ से 2F लग रहा है, उधर की तरफ से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है वो आ रहा है एन कोस 53 डिग्री, यानी n × 3/5, और ये एक्सलरेट हो रहा है इधर की तरफ, तो बड़ा कौन हुआ है 2F हो गया है, यानी 2F माइनस 3n / 5
दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका मास m है, एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन है f divided by 2m, एक्सेलरेशन क्या है f divided by 2m। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार, हो हमें क्या चाहिए, हमें तो n चाहिए, हमें n चाहिए। मैंने कहा अच्छा यहाँ पे आपके पास आ गया है 2f और यहां से क्या आ गया f by 2, यहां से आ गया f by 2, दैट इज इक्वल टू 3n divided by 5 है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो 4f minus f is basically 3f divided by 2, that is equal to 3n divided by 5 है ना। 4f minus f is 3f divided by 2, that is equal to 3n divided by 5। तो 3 से 3 यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा और n की वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी आपके लिए 5f divided by 2 न्यूटन है ना। अच्छा भाई साहब आप चेक भी कर सकते हैं, इसका एफबीडी बना दें, इसका एफबीडी बना दें, इसका एफबीडी बनाएं, इसका एफबीडी बनाएं। जरा ध्यान से देखें इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, इधर की तरफ आपके लिए एफ लग रहा होगा, इधर से क्या लग रहा होगा आपके लिए नॉर्मल, इस पे ऐसे लग रहा होगा सरफेस के परपेंडिकुलर। ये एंगल है 37 डिग्री, तो ये वाला एंगल आपके लिए हो जाएगा 37 डिग्री, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 53 डिग्री है ना। तो आपका ये वाली वैल्यू हो जाएगी n cos 53 डिग्री, यानी कि n cos सॉरी 37 डिग्री होगा, ये होगा 53 डिग्री, यानी कि n cos 53 डिग्री 3/5, यानी कि 3/5 इंटू n, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 5f/2। तो ये कट गया है, ये कितना आ रहा है 3f/2 आ रहा है, 3f/2 उधर की तरफ लग रहा है, f जो है उधर की तरफ लग रहा है। तो नेट फोर्स आपके लिए क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा 3f/2 माइनस f, यानी कि f/2 हो जाएगा, f/2 हो जाएगा। और इसका मास क्या है, m है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी f/2, इसको मास f/2 को m से डिवाइड कर दिया, यानी कि f/2m होना चाहिए। तो इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, तो लल्लू पल्लू सवाल है। मैं कराने को तो बहुत टफ सवाल भी इसमें करा सकता हूं, लेकिन हमारे एग्जाम की डिमांड नहीं है, हमारे एग्जाम की डिमांड बहुत ज्यादा कोई बहुत टफ सवालों की नहीं है, एवरेज किस्म के सवाल है और तेज रफ्तार से सॉल्व करना है, क्या है उसको तेज रफ्तार से सॉल्व करना। अब जरा ध्यान से देखिए, अब हमें पता है कि भैया कोई यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, 2a 3a 5 kg है, टोटल 10 kg का ये सिस्टम उधर की तरफ जाएगा, उधर की तरफ जाएगा। मैंने कहा अच्छा एक्सेलरेशन क्या होगी, सब लोग साथ में जाएंगे, इस पूरे को सिस्टम ले लें, इस पूरे की कॉमन एक्सेलरेशन होगी इस साइड में 50 / एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी 50 / टोटल मास, 2 + 3 = 5 + 5, यानी कि 10, यानी कि आपका आ जाएगा 5 m/s² का एक्सेलरेशन। और आपको क्या पूछा, यहाँ का एन पूछा है, तुरंत 5 kg का एफबीडी बनाओ, इस 5 kg को कौन चला रहा है, अरे ये वाला नॉर्मली तो चला रहा है भैया 3 kg and 5 kg, जितना 3 kg 5 kg के ऊपर लगा रहा है उतना 5 kg 3 kg के ऊपर लगा रहा है, वो दोनों का एक्शन रिएक्शन पेयर है। अच्छा खैर हमें अगर ध्यान से देखिए तो ये एन चाहिए, तो मास इनटू एक्सेलरेशन कर दीजिए, एक्सेलरेशन आपके पास कितना है 5 है, यानी कि 25 आ जाएगा, 25 न्यूटन आ जाएगा भैया। कौन सा वाला, ये अगर यहाँ का पूछा जाएगा क्या करेंगे, मैंने कहा 2 kg का एफबीडी बना दीजिए, 2 kg पे क्या लग रहा है, इधर 50 लग रहा है, इधर मान लीजिए एनडेस मान लीजिए, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन आपके पास 5 है, यानी कि 50 - ndes = 2 × 5, दैट इज 10, यानी कि एनडेस की वैल्यू आ गई यहाँ से 40, क्या की है 40। अब आप ध्यान से देखें तो ये तो 3 kg वाला है, 3 kg वाले पे इस पे इसने 40 लगाया, तो इससे 40 इधर लग रहा होगा, और यहाँ पे कितना है 25 है, यहाँ पे कितना है 25 है, 40 - 20 नेट आ गया आपका 15 / 3 करेंगे तो 5 m/s की एक्सेलरेशन जो है उसको उधर की तरफ आई। लल्लू सवाल है, मैं जानता हूँ लल्लू सवाल है, लेकिन ये सही सवाल आते हैं हमारे एग्जाम में, हमको बस तुरंत और फास्ट रफ्तार से इसको सॉल्व करना होता है। अब ये जो सवाल है तो खैर अब इसको दो तीन ब्लॉक ले लेगा, कल को ऐसा सवाल बना देगा, यहाँ ब्लॉक यहाँ धागा फिर यहाँ फोर्स लगा देगा, है कि नहीं, यहाँ का टेंशन पूछेगा, यहाँ का टेंशन, ये वो बनाया जा सकता है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अपन छोटी छोटी बातें करते हैं, अब ऐड कर देते हैं हमारे सिस्टम के अंदर पुली ऐड करते हैं और ब्लॉक्स को ऐड करते हैं, यानी कि पुली ब्लॉक से रिलेटेड सवाल के बारे में थोड़ी सी बातें अपन
करते हैं, काफी सवाल उस तरह के पूछे जाते हैं। पुली हमारी कैसी रहती है, पुली हमारी यहाँ पे रहेगी फ्रिक्शन लेस और मास लेस पुली, जो कि आगे रोटेशन में जाके कैसी हो जाती है, फ्रिक्शन वाली हो जाती है, मास वाली हो जाती है, वहां पुली घूमने लग जाती है ना, यहाँ तो पुली के ऊपर रोप स्लाइड करती है, पुली को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पुली मास वाली भी हो जाए लेकिन अगर फ्रिक्शन लेस होना चाहिए बस, है ना, मास वाली होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पुली को घुमाता तो फ्रिक्शन का टॉर्क ही है यार, पुली को घुमाता कौन है, फ्रिक्शन का टॉर्क है, ये कहां जाके अपने सीखा है, रोटेशन में जाके सीखा है। अच्छा भाई साहब, तो अपन बात करते हैं पुली ब्लॉक की, किसकी, पुली ब्लॉक सिस्टम। पुली ब्लॉक का ये जो सिस्टम है, मान लो कि मैंने यहां पे क्या किया, एक पुली ले लिया है और उससे लगा दिए हैं मैंने दो ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक का मास M1 और ये वाले ब्लॉक का मास मान लीजिए क्या है M2 है। पेन्स आप थोड़े अच्छे से चल लीजिए, काहे भाव उठा रहे, M1 है M2 जो है मास का, ये मैंने पुली यहाँ पे लगा दिया। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार, अब अगर आप ध्यान से देखिए, माना कि मैं आपको बोलूं कि M2 बड़ा है M1 से, तो क्या होगा लल्ला, ये इधर की तरफ प्रस्थान करेगा, ये ऊपर की तरफ प्रस्थान करेगा, यहाँ पे टेंशन रहेगा टी और यहाँ पे टेंशन आ जाएगा 2T। पुली मासलेस है, फ्रिक्शन लेस है, धागा इनएक्सटेंसिबल है और मासलेस है। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, प्यार से इसको एटवुड मशीन बोलते हैं, एटवुड मशीन है ना। अच्छा हम ये नहीं बताने वाले हैं कि ये एक्सेलरेशन क्या होगा, कोई भी निकाल लेगा एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन क्या होगा M2G - M1G, तो नेट फोर्स आपका हो गया है M2 - M1 × G / M1 + M2, ये कोई भी बता लेगा, किसी का भी एफपीटी बना दीजिए, टेंशन आ जाएगा 2T आ जाएगा। अपने को पता है कि इस पूरे सिस्टम को अपन रिड्यूस मास के कॉन्सेप्ट से लिख सकते हैं क्या, इस पूरे को मैं यहाँ जो टेंशन है ना, ये वाला टेंशन जो है बराबर हो जाए, तब M1 और M2 की जगह अपन क्या यूज कर लें, M इक्विलेंट यूज कर लें। ये सब हमने पहले पढ़ा है, थोड़ा फास्ट है इसलिए अब मैं एक एक चीज को बताऊंगा, नहीं मैं टी निकालू फिर मैं 2T निकालू फिर यहां से कंपेयर करूंगा, नहीं, ये जो 2T टेंशन आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी M इक्विलेंट इंटू जी के बराबर। अरे भाई साहब अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि 4 / M इक्विलेंट = M1 + M2, ये रिश्ता आता हुआ दिखाई देगा, M इक्विलेंट की वैल्यू आपके लिए 4 × M1 / M2 / M1 + M2 आती है, M1 × M2 / M1 + M2, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास, यानी कि ये 4 × μ है, म्यू यहाँ पे क्या है, म्यू इज बेसिकली रिड्यूस्ड मास, इसको प्यार से क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास, जिसकी वैल्यू क्या होगी आपके लिए M1 / M2 / M1 + M2। आप बोलेंगे क्या फायदा है, अरे कहीं कहीं इसका यूज कर सकते हैं, बाकी इसके बगैर भी काम चलाया जा सकता है। जैसे मैं आपको एक सवाल पूछूं, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक पुली है, इससे मैंने एक ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया, मैंने कहा अच्छा भाई साहब मान लीजिए एम मास का ब्लॉक हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और ये पुली से धागा मान लीजिए एक और पुली को अपने कनेक्ट कर दिया है, बहुत बढ़िया भाई साहब बहुत शानदार, हो यहाँ पे धागा, यहाँ पे मान लो एक और पुली है, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा देते हैं और एक ब्लॉक यहाँ पे लगा देते हैं। अच्छा ओहो, मान लीजिए कि ये वाला ब्लॉक है आपके लिए 6 kg का, कितने का, 6 kg का, और ये वाला ब्लॉक मान लीजिए है 12 kg का, 6 kg का या 12 kg। अब मैं सवाल पूछूं कि यहाँ पे अगर मुझे ऐसा मास M लगाना है कि ये मूव ना करे, ये हमेशा रेस्ट पे रहे, है ना, अच्छा ये तो मूव करेंगे क्या, 6 kg 12 kg, मैंने पक्का ये इधर जाएगा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मास M, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फास्ट करना, हमारा टारगेट क्या है, फास्ट सवाल सोल्व करने, ये है ना टारगेट यार, पिता बहुत सारे सवाल रहते हैं बहुत कम टाइम रहता है, 1 मिनट के अंदर सोल्व करके उसको फिल करना है, और हमें ऐसा नहीं है कि 10-15 सवाल, हमें सारे सवाल सोल्व करने हमारा टारगेट है, तो हाँ फास्ट बताना है आपको, ये बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, M is always at rest, अगर ये at rest है, ये क्या है, at rest है,
कौन भैया, ये वाला एड्रेस है, तब क्या होगा, तब m की वैल्यू बताएंगे, ये मूव ही नहीं कर रहा है, या फिर मुझे इसको रोक के रखना है तो कितना एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा धागे को पकड़ के रखे, तो बताइए तुरंत बताइए कि m की क्या वैल्यू हो ताकि ये रेस्ट पे ही रहे, ताकि ये रेस्ट पे रहे। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, कैसे पता करेंगे कि ये रेस्ट में रहेगा। मैंने कहा बहुत आसान है, अरे इस पूरे सिस्टम को आप एक सिंगल मास से रिप्लेस कर सकते हैं ना यार, क्या किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। मैंने कहा किया जा सकता है, और वो मास क्या होगा, वो मास आपके लिए इस पूरे को एक मास से रिप्लेस किया जा सकता है, और वो मास होगा m equivalent, that is 4 of m1 m2 upon m1 plus m2 है, यानी ये कंट्रम मेरे लिए पूरा जो m equivalent आ जाएगा वो 4 into reduced mass जो कि आ जाएगा 6 into 12 divided by 6 plus 12 जो कि आ गया है 18, यानी कि ये आपका कट गया है 3 से, ये आपका छत्री 18, और ये आपका हो गया है, ये आपका हो गया है 3 से, ये 4 हो गया है, 4 into 4 यानी कि 16 kg, क्या हो गया है 16 kg। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, ओहो तो हमारे लिए क्या हो गया है, हमारे लिए ये हो गया है 16 kg। मैंने कहा अच्छा फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 16 kg होनी चाहिए। थोड़ा सा अच्छा करेंगे इसको, हाँ मान लो कि मैं कुछ ऐसा कर दूं, इसमें क्या करें भाई साहब, यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन कर देते हैं, मान लो कि यहाँ एक और पुली होती, मान लो कि यहाँ पे एक और पुली होती और यहाँ पे लगाए, मान लो एक और ब्लॉक लगा दिया मैंने यहाँ पे, ये 2 kg का एक ब्लॉक लगा दिया है, ओहो हो हो, यहाँ पे एक पुली लगा दी और ये यहाँ पे कर दिया। मैंने कहा अच्छा ये पुली फिक्स होगी, अब बताइए कि m की वैल्यू क्या होगी, ये रेस्ट पे ही रहेगा, एक और ब्लॉक ऐड कर दिया है 2 kg का, वहां पे अगर मान लो ब्लॉक होता पुली के साथ में, अबे तो ये पूरा आइटम क्या हो गया है 16 kg का, पूरा आइटम क्या हो गया है ये 16 kg का, तो ये तो पूरा आइटम ही अपना क्या हो गया है 16 kg का हो गया है, तो क्या मैं इस पूरे आइटम को यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ ना इसको। मैंने कहा हाँ, क्या होगा इस पूरे को एक मास से रिप्लेस करेंगे तो, मैंने कहा होगा 4μ, क्या हो जाएगा 4μ, और म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू की वैल्यू हो जाएगी 16 into 2 डिवाइडेड बाई 18 है कि नहीं यार। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ओहो तो ये कट गया आपके लिए 9, और वो आपका हो गया है 64 डिवाइडेड बाई 9 kg का अगर आप मास यहाँ पे रखेंगे तो ये पूरा जो सिस्टम अभी हमारे पास था वो क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। तो इस तरह के सवाल बहुत फास्ट कर सकते हैं ना यार रिड्यूस मास से। इनका बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, खूबसूरत, ओहो हो। तो इस तरह के सवाल जो है, अब आप ध्यान से देखें तो बहुत सारे ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं, बाकी आप इक्वेशन लिख सकते हैं। खास बात ये होती है कि इसमें एक्सेलरेशन जो है, अभी तक वाले जितने भी सवाल अपन देखते हैं जैसे ये वाला केस है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, अलोंग धागा एक्सेलरेशन सेम थी, लेकिन फिर अगर ऐसा कुछ किसी सवाल में जाएं जहां पे अपने पता चले कि एक्सेलरेशन अलग अलग आती है तो हमें कंस्ट्रेंट की जरूरत पड़ती है। हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल ज्यादा होते हैं और इक्वेशंस कम होती है, तो हमें कंस्ट्रेंट रिलेशन की जरूरत पड़ती है। तो तुरंत आगे बढ़ते हैं अपन, कंस्ट्रेंट रिलेशंस बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। 3 तरह के कंस्ट्रेंट हम पढ़ते हैं यहाँ पे, कंस्ट्रेंट 3 तरह की कंस्ट्रेंट, यानी कि कंस्ट्रेंट बेसिकली जो सवाल है उनको अपन क्लासिफाई कर देते हैं, वैरायटीज को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर देते हैं। तो आप ध्यान से देखें अपन किसकी बात करने जा रहे हैं, अपन बात करने जा रहे हैं कंस्ट्रेंट मोशन की, किसकी, कंस्ट्रेंट मोशन। अगर आप ध्यान से देखें तो 3 तरह के कंस्ट्रेंट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहला है आपका स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, कौन सा वाला है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। मैंने कहा ठीक है, दूसरा क्या है, मैंने कहा दूसरा है आपके पास पुली ब्लॉक इज बेसिकली स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का ही एक केस समझ सकते हैं इसको। और तीसरा टाइप के जो सवाल है उसमें वेज ब्लॉक है, वेज रहेगा ब्लॉक रहेगा, तो वेज ब्लॉक कंस्ट्रेंट है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं पहला जो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है उसको आसान भाषा में आपको बताना चाह रहा हूं कि भैया आप जानते हैं अलोंग द स्ट्रिंग, अगर एक मेरे पास स्ट्रिंग है, एक धागा है जिसे मैंने एक ब्लॉक यहां कनेक्ट किया है और एक और ब्लॉक मैंने यहां पे कनेक्ट किया है, मैं इस वाले ब्लॉक को इधर 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चला रहा हूं, तो भैया ये पॉइंट जो टच है वो 10 से जा रहा होगा, इसका हर पॉइंट 10 से जा रहा होगा, इसका ये वाला पॉइंट भी 10 से ही जा रहा होगा, वरना अगर ये 9 से गया तो ये टूट जाएगा धागा और 11 से जाया तो स्लैक हो जाएगा। यानी जो हमारा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है आसान भाषा में क्या बोलता है कि किसी पर्टिकुलर धागे की, किसी
पर्टिकुलर धागे की, मान लो कि ये वाला ब्लॉक यहाँ पे है, ये वाला ब्लॉक यहाँ पे है, और ये वाला ब्लॉक अगर मान लो कि नीचे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, तो इसको 5 मीटर पर सेकेंड रफ्तार से ऊपर जाना होगा, क्योंकि अलोंग द धागा रफ्तार क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट आसान भाषा में क्या बोलता है कि स्पीड ऑफ एनी टू पॉइंट, स्पीड ऑफ एनी टू पॉइंट ऑन सेम स्ट्रिंग एंड ऑन सेम स्ट्रिंग अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम, अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम, बस इतनी सी बात है टाइको, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, उसकी लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, और अगर लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है फिर तो भैया अलोंग द स्ट्रिंग रफ्तार सेम होनी चाहिए, ज्यादा हो गई तो टूट जाएगा। और ये है ना, जैसे मान लो कि ये पॉइंट की रफ्तार जो है वो V1 है और ये वाले पॉइंट की V2 है, अगर V1 बढ़ा हुआ V2 से टूट जाएगा, V2 बढ़ा हुआ V1 से स्लैक हो जाएगा, अलोंग द स्ट्रिंग तो सेम होना चाहिए। बहुत आसान सा है, एक सवाल करते हैं आपके भेजे में तुरंत उतर जाएगा। मान लो कि मैं आपसे सीधा टफ सवाल लेता हूँ, खूब सारे सवाल आपने पहले किए होंगे, मैं सीधा टफ सवाल लेता हूँ। मान लो कि यहाँ से यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक रखा है, मान लो कि ये धरातल है, मान लो कि ये क्या है, धरातल है, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक रखा है, मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार, हो यहाँ पे एक और ब्लॉक रखा है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा इस ब्लॉक को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है धागा से, ऐसे बांध रखा है, मान लीजिए कि ये वाला एंगल मेरे लिए क्या है 53 डिग्री है, और ये वाला एंगल मान लीजिए 37 डिग्री है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वाले ब्लॉक को खींच रहा हूं इधर की तरफ, है ना। अच्छा, कितनी रफ्तार से, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो मुझे बताइए कि ये ब्लॉक अनीता है और ये वाला ब्लॉक अगर बबीता है तो इसकी रफ्तार क्या होगी, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बी वाले ब्लॉक की रफ्तार क्या होगी, मुझे बताइएगा सवाल में। एक सवाल है आपके सामने, दूसरा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे लिए क्या है, मेरे लिए ऐसा है कि यहाँ पे एक रॉड रखी हुई है, क्या रखी हुई है, एक रॉड रखी हुई है, ये एंगल है मेरे लिए 37 डिग्री, है ना, रॉड का ये वाला बिंदु, रॉड स्लाइड कर रही है, ये वाला बिंदु की रफ्तार इधर की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड, मुझे ये बताइए ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, बी बिंदु की रफ्तार किधर होगी और कितनी होगी, ये बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, ये हमने जब भी सवाल सॉल्व किए थे, हमने जब भी इस तरह के सवाल सॉल्व किए थे तो हमने ये बोला था कि पहले ये बताइए ब्लॉक बी की रफ्तार होगी किस साइड, मैंने कहा भैया पहले तो ब्लॉक जो है जब तक ये वर्टिकल नहीं होता था ये खड़ा तो होगा नहीं, इधर ही स्लाइड करके आ रहा होगा, तो जिधर ओरिजिनल रफ्तार होगी उधर मान लीजिए, यानी कि ये वेलोसिटी इस साइड होगी, पॉइंट बी की रफ्तार वी इस साइड होगी, जो ओरिजिनल है उसको मान लीजिए, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अब कंस्ट्रेंट क्या बोलता है कि अलोंग द धागा रफ्तार सेम होनी चाहिए, अलोंग द धागा रफ्तार सेम होनी चाहिए, तो रफ्तार के कंपोनेंट अलोंग द धागा करना जरूरी है, लल्ला अलोंग द धागा करना जरूरी है। अच्छा, बहुत बढ़िया, तो अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से इधर ब्लॉक जा रहा है तो इसका ये वाला कंपोनेंट जो है हमारे काम का है, क्या है, 10 cos 53 degree, 10 का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 10 cos 53 degree, यानी कि 3/5 53 degree cos का, ठीक है 3/5, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड जो है अलोंग धागा रफ्तार है, 6 मीटर पर सेकेंड, 6666666, यानी कि ये इधर जा रहा होगा 6 से, लेकिन इधर V से जा रहा है, V का इधर वाला कंपोनेंट क्या होना चाहिए, वो 6 होना चाहिए, अलोंग धागा कंपोनेंट क्या आ जाएगा, V cos 37 डिग्री, V का इधर वाला कंपोनेंट जो कि इसके बराबर होना चाहिए, 6 के बराबर होना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे करो 6 cos 37 degree = V, मैंने कहा वो कांस्टेंट नहीं है बे, अलोंग धागा रफ्तार सेम होना चाहिए, यानी V cos 37 degree must be equal to 6, यानी कि V into cos 37 degree is 4/5 हो जाएगा, that is equal to 6 है, तो V की वैल्यू यहां से क्या आ रही है आपके पास, 5 into 6 divided by 4 है, तो ये 2 हो गया है, ये 3 हो गया है, यानी कि 15/2, यानी कि 7.5 meter per second जो है वो बी वाले पॉइंट की रफ्तार होगी। इजी, बहुत इजी है, बहुत इजी, कुछ भी सवाल बनाए, खूब सवाल बनाए जा सकते हैं, खूब आपने पहले किए होंगे, खूब आपको देखने को मिल सकते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, क्या है अलोंग द धागा रफ्तार क्या होनी चाहिए, किन्हीं दो पॉइंट की स्पीड सेम होनी चाहिए, अलोंग द स्ट्रिंग है, कोई भी दो पॉइंट का सेम स्ट्रिंग के, है ना, सेम स्ट्रिंग, ऐसा नहीं कोई और स्ट्रिंग उठा देंगे,
है ना। अच्छा जैसे मान लो इस वाले केस में क्या होगा, आप तुरंत बता देंगे कि टेन का ये वाला कंपोनेंट होगा टेन कोस 37 डिग्री यानी 4/5 यानी कि आपका 8 हो गया है। इधर की तरफ वी है ये 37 डिग्री है तो ये 53 डिग्री होगा। वी का इधर वाला कंपोनेंट होगा वी कोस 53 डिग्री यानी कि 3/5 दैट मस्ट बी इक्वल टू 8 दैट मस्ट बी इक्वल टू 8 क्योंकि अलोंग दिस जो है रफ्तार सेम होनी चाहिए कोई भी दो पॉइंट की। अच्छा इसको 8 कर दीजिए तो आपका वी क्या हो जाएगा 40/3 मीटर पर सेकेंड। तो पहले आप रफ्तार वैसे मान लीजिए जो ओरिजिनल होगी उसका कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग अलोंग द रॉड कर दीजिए, है कि नहीं यार। खूब ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। सिमिलर सी बात होती है पुली ब्लॉक में, सिमिलर सी बात किसमें होती है पुली ब्लॉक में, पुली ब्लॉक में भी सिमिलर सी बात होती है। आओ जरा ध्यान से देखें पुली ब्लॉक के सवाल कैसे होते हैं। अब इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दो ही तरह के सवाल है, खूब ऐसे सवाल हमने पहले भी किए हैं, बुकलेट में भी ऐसे खूब सवाल है। आप उनको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है कि अलोंग द धागा किन्हीं भी दो बिंदुओं की रफ्तार क्या होनी चाहिए, अलोंग द धागा किन्हीं दो बिंदुओं की रफ्तार जो है वो सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे धागे की रफ्तार जो लेंथ है वो कॉन्स्टेंट है। अब आप कई बुक्स में वो डिफरेंशिएशन करके किए हुए सवाल मिलेंगे, वो हमें करने की कतई जरूरत नहीं है। हमारा टारगेट जो है वो फास्ट आंसर तक जाना होता है ना। ऐसा नहीं x मान लिया y मान लिया dx by dt ये dy by dt वो करने की कतई जरूरत नहीं। पुली ब्लॉक का जो कंस्ट्रेंट है दूसरा वाला, पुली ब्लॉक का जो कंस्ट्रेंट है अगर आप ध्यान से अगर आपको देखें, सेकंड वाले की बात कर रहे हैं अपन, अगर आपको याद हो तो हम सीधा जो है पुली को भी चला देते हैं। मान लो कि ये वेलोसिटी ऑफ पुली है, यहाँ पे ब्लॉक है आपके लिए M1 और यहाँ पे मान लीजिए कि ब्लॉक या MA बोल दीजिए और यहाँ पे ब्लॉक है MB। मान लीजिए कि ये इस वाले की रफ्तार VA है और इस वाले की रफ्तार ऊपर की तरफ VB है, तो है ना हमने पॉइंट मेथड देखा था X1 और X2 ले लिया था, X1 plus X2 = L डिफरेंशिएट किया था TX1/DT। अब रिवीजन करवा रहा हूं ना यार, थ्योरी थोड़ी पढ़ा रहा हूं, जस्ट आपको बता रहा हूं कि ये काम की बात, रिजल्ट क्या आया था। अबे कुछ नहीं यार, ये लेंथ को LA मान ले, ये लेंथ को LB मान ले, LA प्लस LB इक्वल टू L है वो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट कर दे तो ये क्या आ जाएगा DLA/DT। इमोशनल होके पूरा बता रहा हूं, लंबा हो जाएगा ना। DT/ ये जीरो हो गया बे, ये क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू पुली है ना यार, लेंथ तो विद रिस्पेक्ट टू पुली है। ओहो ये वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू पुली है ना, तो ये वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली प्लस वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू जीरो आ गया ना बे। तो वेलोसिटी ऑफ पुली यहां से क्या आ रही है, वेलोसिटी ऑफ पुली आ रही है वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ B डिवाइडेड बाय 2। वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ B डिवाइडेड बाय 2। तो ये x के लिए भी वैलिड होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली इक्वल टू A का प्लस B का डिवाइडेड बाय 2। वेक्टर क्वांटिटी ध्यान रखना, एक्सेलरेशन ऑफ A प्लस एक्सेलरेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पुली है। अच्छा पॉइंट मेथड से भी अपन पता कर सकते हैं, पॉइंट मेथड में अपन पॉइंट मार्क करते हैं ना। तो एक सवाल लेते हैं थोड़ा ठीक ठाक किस्म का, पहले सवाल ले लेते हैं ताकि अपने को अच्छा लगे। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक ब्लॉक है, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक ब्लॉक है, मैंने कहा ठीक है, हम एक ब्लॉक को अपन कहाँ रखते हैं, एक ब्लॉक को अपन यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार, ओहो यहाँ पे खूटी में क्या करते हैं धागा बांध देते हैं, यहाँ से धागा को यहाँ पुली, यहाँ से धागा ले गए पुली से होते हुए इसको ऐसे बांध दिया हमने, यहाँ पे हमने लगा दिया है ये पुली। अच्छा सब बहुत बढ़िया, और क्या करते हैं अपन इसको कनेक्ट कर देते हैं इधर की तरफ, मतलब ठीक है और क्या कर रहे हैं, ये बंधा हुआ है। मान लीजिए कि मैंने इसका नाम अनीता बोल दिया, इसका नाम बबीता बोल दिया, मैंने बोला कि ये आइटम इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, 10-20 जो आपको मानना है। अब आपको बोला जाए कि बी वाले की रफ्तार किधर और कितनी होगी, किधर और कितनी होगी, आप समझ तो गए ना। एक ब्लॉक है यहाँ पे, एक ब्लॉक है यहाँ पे, एक ब्लॉक है यहाँ पे, बीच में ऐसे बंधा हुआ है पुली भी सिस्टम है धागा है, और वो वाला ब्लॉक जो है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, तो बताइए कि बी की रफ्तार क्या होगी, कितनी होगी, किधर होगी, सोचिएगा। पहले किया हुआ तो तुरंत आप आंसर निकाल दीजिए। एक और सवाल बनाते हैं, एक दो सवाल बनाते हैं पुली वाले बहुत आसान है यार, यही तो बात है ना, अलोंग धागा किन्हीं दो बिंदुओं की रफ्तार कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। फिर बहुत ज्यादा पुली और ब्लॉक आते तो अपन पॉइंट मेथड यूज करते हैं, तो एक दो सवाल कराते हैं अपन पॉइंट मेथड के, एक दो सवाल करते हैं अपन।
अब जरा ध्यान से ये वाला सवाल आप कीजिए, उसके बाद मैं आपको एक और सवाल दे देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे दीवार है, मान लो कि यहाँ पे थोड़ा दीवार है, डिफिकल्ट कर देते हैं, टक 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 टक, हाँ पुली पुली धागा धागा धागा, यहाँ पे भी लगा देते हैं पुली और यहाँ पे लगा देते हैं एक ब्लॉक, ये ऐसे वेज बना देते हैं, ये एंगल कर देते हैं 37 डिग्री, ओहो, और यहां से एक ब्लॉक को इसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है, और ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है। माना कि मैं ऐसे बोलूं कि ये इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, इसकी रफ्तार क्या होगी, इसकी रफ्तार क्या होगी, इसकी रफ्तार क्या होगी। एक और सवाल बना दिया आपके लिए, तो सॉल्व करिए दोनों सवाल को। थोड़ा सा डरने की कतई जरूरत नहीं है, डरने की इसमें कतई जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। पॉइंट मेथड याद कीजिए, क्या बोलता है पॉइंट मेथड, एक धागा पकड़ लीजिए और उसकी मुलाकात जहां जहां पुली और ब्लॉक से हो रही है ऐसे पॉइंट को आप फिक्स कर दीजिए, ऐसे पॉइंट को आप फिक्स कर दीजिए, ऐसे पॉइंट को आप फिक्स कर दीजिए। कौन सा धागा पकड़ेंगे आप, ये धागा देख लीजिए, यहां मुलाकात हो रही है, यहां 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 यहां, है ना लाला, ओहो, अगर वो पॉइंट, ये पॉइंट की रफ्तार क्या है, ये पॉइंट कहां है, मैंने कहा स्पेक पे है, ये फिक्स कर रखा है, उसकी रफ्तार जीरो है, जीरो लिखेंगे भाई साहब, ओहो। अच्छा अगर ये 10 से जा रहा है अलोंग दिस धागा, रफ्तार सेम होनी चाहिए, यानी कि ये भी पुली इधर की तरफ 10 से ही जा रही होगी, पक्का गारंटी है इस वाले धागे की अलोंग रफ्तार सेम होनी चाहिए। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पुली पे है, ये पॉइंट उधर 10 से जा रहा है, ये वाली लेंथ को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, बढ़ा रहा होगा, क्या लिखूंगा, प्लस का 10। ये वाला पॉइंट जो है इस वाली पुली के ऊपर है, पुली के ऊपर है, और ये वाली लेंथ को बढ़ा रहा घटा रहा होगा, बढ़ा रहा घटा रहा होगा, वो बढ़ा रहा होगा, क्या लिखेंगे भैया, प्लस का, प्लस का 10 लिखेंगे। मैंने कहा इसका तो हमें पता करना है, माना कि इसकी रफ्तार v है, तो ये वाली पुली की रफ्तार भी इधर v होगी, ये वाले पॉइंट की रफ्तार v हो जाएगी, और ये वाली लेंथ को वो कम कर रहा होगा, यानी माइनस v, ये वाला पॉइंट भी v से इधर जा रहा है, ये वाली लेंथ की लेंथ को कम कर रहा होगा, माइनस v, ये पॉइंट इस वाले ब्लॉक के ऊपर है और ब्लॉक 10 से जा रहा है, ये वाली लेंथ को बढ़ा रहा होगा, यानी प्लस 10, और ऑल बढ़ने वाला बढ़ेगा ना घटेगा, लेंथ तो कांस्टेंट है। ये क्या किया है, पहले भी अपन कर चुके हैं, है ना, अपन क्या यूज कर रहे हैं, पॉइंट मेथड यूज कर रहे हैं, पॉइंट पता करते हैं और ऐसा खेला खेलते हैं। अगर आप ध्यान से देखें 10 20 और ये हो गया है आपका जो है यहाँ पे, ये जीरो था, ये बढ़ा रहा है, ये बढ़ा रहा है, तो आपके लिए क्या आ गया, प्लस का 10, प्लस का 10, यानी प्लस का 10, प्लस का 10, ये वाले पॉइंट के लिए प्लस का 10, ये वाला पॉइंट के लिए भी प्लस का 10, और ये वाले पॉइंट के लिए भी प्लस का 10, यहाँ पे माइनस वी, माइनस वी है, इस वाले लेंथ को कम कर रहा है, ये वाले लेंथ को कम कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 2v = आपके लिए आ रहा है 10 और 10 20 और 10 30 30, तो यहां से v की वैल्यू क्या आ रही है, v की वैल्यू आ रही है 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से उधर जा रहा होगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों स्लाइड कर रहे हैं, है ना, जब पढ़ाया गया तो आपको दोनों तरीके से बताया गया था। आसान तरीका कौन सा था, रिलेटिव, चीटा बन के बैठ जाइए इसके ऊपर, चीटा बन के इसके ऊपर बैठ जाइए भैया, चीटा बन के जब ऊपर बैठते हैं, हा, चीटा बन के बैठेंगे तो क्या होगा, आपको ये सब तो कार्यक्रम रुका हुआ मिलेगा ना यार, और आप 10 से जा रहे हैं तो आपको लगेगा दीवार सामने आ रही है, 10 से दीवार सामने आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, कौन आ रहा है, दीवार आ रहा है, दीवार अगर आपकी तरफ 10 से आ रहा है, पॉइंट पता कर लीजिए, टक 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 टक, ये 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 मैंने रफ्तार वी मानी है विद रिस्पेक्ट टू, ये अगर इसका नाम अनीता है, इसका नाम बबीता है, यानी बी वाले ब्लॉक की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू ए इस साइड, यानी ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए मैंने माना है उस साइड में, है ना, ये वेलोसिटी ऑफ बी जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उधर नहीं आएगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो आगे भी जा रहा है और नीचे की तरफ भी ऐसे स्लाइड कर रहा है। अभी मैंने वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए किया है क्योंकि मैं बी के ऊपर चिट्टा बन के बैठ गया हूँ। ये पॉइंट की रफ्तार मुझे क्या लगेगी, जीरो लगेगी, क्यों, क्योंकि भैया मेरे रेस्पेक्ट में मैं जहां बैठा हूं आज तो जीरो ही होगा, जीरो। अब जरा ध्यान से देखें, ये 10 से आ रहा है तो अलोंग दिस धागा रफ्तार सेम होगी, ये 10 ये 10, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं, थोड़े टफ सवाल ले रहे हैं अपन, परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे जल्दी की बातें भी करते हैं, है ना, हम समझदार बच्चे हैं, थोड़े बहुत तो टफ करेंगे ना यार,
है ना, बाकी इजी वाले तो आप टक टक से कर देंगे। थोड़ा ऊपर का किया रहेगा तो आपको कॉन्फिडेंस और ज्यादा रहेगा कि पेपर कितना भी आ जाए, ये कोई जरूरी नहीं कि यार हमें सब बहुत ही आसान आए, कभी थोड़े ढंग के सवाल भी आ सकते हैं, जैसे नीट 2015 वगैरह का पेपर बहुत ही अच्छा था, है ना, ऐसे कभी कभी आ भी सकता है, जैसे हो सकता है अगले साल पेपर थोड़ा सा अच्छा आ जाए, आप तो खुद ही चाहते हैं कि पेपर थोड़ा सा अच्छा है। अब आप ध्यान से देखिए, ये पॉइंट के लिए आपने जीरो लिखा, ये पॉइंट के लिए आप इतना रहे, लेंथ कम हो रही है तो माइनस का 10 लिखेंगे, ये जो है ये बेसिकली अगर आप ध्यान देखें तो पॉइंट की रफ्तार इस साइड में होगी पूरी, ये ऊपर की तरफ है तो जीरो आ जाएगा क्योंकि बीच का एंगल 90 डिग्री। अब आप ध्यान देखें तो हम लोग बेसिकली ना करते क्या है, वर्क डन बाय टेंशन जीरो करते हैं। वो तो आगे जाके अपन बातें जानते हैं कि वर्क डन भी कोई चीज होता है, तो एनएलएम में बच्चों को ऐसे बता दिया जाता है पॉइंट मेथड है, है ना, क्यों, क्योंकि ये टेंशन आपकी इस डायरेक्शन में होगी, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, बीच का एंगल 90 होगा, तो टेंशन का वर्क डन यहां पे जीरो आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, टेंशन आपकी इस डायरेक्शन में है, तो इसके लिए भी जीरो लिखेंगे। यहां पे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या करेगा, मैंने कहा उधर जा रहा है तो ये वाले लेंथ को कम करेगा, यानी माइनस ऑफ 10 है, जीरो आ गया इसके लिए जीरो आ गया है, इसके लिए माइनस 10 आ गया, लेंथ को कम कर रहा है, जीरो जीरो माइनस 10 लेंथ को कम कर रहा है, जीरो जीरो का एको कि भैया हमारे रेस्पेक्ट में तो ये पॉइंट पुली पे, और पुली तो हमारे साथ ही अटेस्ट है, यानी हमें क्या लगेगा जीरो, और हमें ऐसा लगेगा कि वो भी से उधर जा रहा है, ये वाली लेंथ के लिए आपका क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, लेंथ के लिए क्या आ जाएगा आपके लिए प्लस आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि प्लस ऑफ VBA और ये मस्ट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो माइनस दस आपके लिए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की वैल्यू आपके लिए क्या आ रही है, 20 मीटर पर सेकेंड आ रही है। लेकिन अगर सवाल में आपको वीबी पूछा जाए, तो अब क्या करेंगे, मैंने कहा भैया वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए है। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ बी पूछा गया है तो आप वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए में वेलोसिटी ऑफ ए को एड कर देंगे। अगर आपको बी का रफ्तार पूछा हुआ है तो आपको वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए में वेलोसिटी ऑफ ए ऐड करना पड़ेगा। मैंने कहा बी विद रिस्पेक्ट टू ए तो आपका 20 आया है जो कि इस डायरेक्शन में है, है ना, 20 इस डायरेक्शन में है, यहां से ओरिजोनटल से कितने एंगल पे है, 37 डिग्री के, इसमें क्या ऐड कर देंगे वेलोसिटी ऑफ ए, और ए खुद की रफ्तार किधर है, इधर है 10, इनका रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में आएगा वही आपका वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगा। यानी आप इस 10 को उठा के यहाँ पे रख दीजिए, इधर आपका जो भी ये रिजल्टेंट आ रहा है ये आपका वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगा। ये बीच का एंगल क्या होगा, यदि ये 37 डिग्री है तो बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस 37 डिग्री। अब दो वेक्टर है, एक 20 है एक 10 है, रिजल्टेंट अगर आपको बीबी पता करना है तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 10 इंटू 20, 2ab इंटू कोस थीटा, बीच का एंगल है कोस थीटा क्या है, 180 माइनस 37 डिग्री, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा में थीटा दो वेक्टर के बीच का एंगल है जो कि हो जाएगा 180 माइनस 37 डिग्री, तो वैल्यू डालेंगे तो सॉल्व करके आपको आंसर आता हुआ दिखाई दे जाएगा। ये मैंने टफ बता दिया, अरे टफ कर दे, मान लो कंस्ट्रेंट का टफ सवाल में माना जाएगा, ये कर लेंगे ना यार, कोई बहुत टफ है क्या, बहुत टफ नहीं है। तो बोले तो एक और बहुत टफ है, बहुत भरा हुआ टाइप का फोटो बनाते हैं और फिर तुरंत कर डालते हैं ताकि कोई भी सवाल आपका पुली और स्ट्रिंग, मतलब पुली ब्लॉक वाला क्या है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का ही एक स्पेशल केस है, और वेज वाला बहुत ही आसान है, वेज वाला भी बहुत ही आसान है, तो कंस्ट्रेंट से डरने की कतई जरूरत नहीं है, कंस्ट्रेंट से डरने की कतई जरूरत नहीं। एक और सवाल करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का फोटो बना के, एक और सवाल अपन करते हैं, ठीक है भाई साहब, इसको उड़ाते हैं और एक सवाल और करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे वेज ब्लॉक के कंस्ट्रेंट, है ना। द स्पीड ऑफ ब्लॉक बी इज 4x है, x हमें पता करना है, बहुत कॉम्प्लेक्स सा फोटो अपने बता दिया है, P1, P2, P3, P1, P2 एंड P3 तीन पुली है जो कि मूव कर सकती है, बाकी पुलियां फिक्स्ड है, इसकी रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड है, A ऊपर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, C नीचे की तरफ आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, B की रफ्तार बताएं, डरे नहीं
डरे नहीं, तुझे डराने के लिए सवाल नहीं बताया, तेरा विश्वास बढ़ाने के लिए बताया है कि बहुत ही जिए लाला, बहुत ही जिए, बहुत ही जिए भाई साहब। जैसे अगर अपन ध्यान से देखें, ये 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर जा रहा है, तो अलोंग दिस धागा रफ्तार सेम होना चाहिए, यानी पुली टी नीचे की तरफ, पुली टू जो है वो नीचे आ रही होगी 10 मीटर पर सेकंड से, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये 4 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, तो ये वाली पुली भी नीचे आ रही होगी 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। क्यों लला? अलोंग दिस धागा रफ्तार क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब मुझे ये बताओ, अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, तो ये धागा ऊपर कैसे जा रहा होगा? 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। अच्छा, मुझे ये पता करना है कि ये धागे की रफ्तार क्या होगी। अगर आप यहाँ पे देखें जरा ध्यान से, तो ये पुली का मैं फोटो बना रहा हूँ, P3 का फोटो अगर मैं बता रहा हूँ, इधर की तरफ 2 है, इधर की तरफ मुझे पता नहीं है, और पुली खुद नीचे आ रही है 4 से। कैसे आ रही है? 4 से। तो मैंने मान लिया कि ये वाले धागे की रफ्तार V है। कौन से वाले धागे की रफ्तार है? मैंने ऊपर की तरफ मान लिया V, और मैंने ऊपर को पॉजिटिव मान लिया। ऊपर को क्या मान लिया है? पॉजिटिव। वेलोसिटी ऑफ पुली इज वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ B डिवाइडेड बाई 2 होता है ना लाला। ओहो, तो पुली मेरे लिए क्या हो जाएगा? मैंने कहा -4, मैंने ऊपर को पॉजिटिव मान लिया है। यहाँ पे V प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, V की वैल्यू क्या आ गई है? -8। यहाँ पे आपके लिए V की वैल्यू क्या आ जाएगी? V की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें, तो V प्लस 2 इज इक्वल टू -8, यानी V की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड। इसका माइनस का मतलब क्या? मैंने ऊपर को पॉजिटिव माना, इसका मतलब नीचे जा रहा है। ये नीचे कैसे जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब ये धागा इधर कैसे जा रहा होगा? 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ओ, तो अगर आप इस पुली की इस P2 का फोटो बनाइए, P2 पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये वाला धागा नीचे जा रहा होगा 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ओहो, और P2 खुद ही किधर जा रही है? मैंने कहा 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नीचे। काश मुझे ये पता लग जाए कि ये वाले धागे की रफ्तार क्या है। मैंने इसकी रफ्तार को वी डैश मान लिया नीचे की तरफ, है ना। ये धागे की रफ्तार को भी मैंने नीचे क्या मान लिया है? वी डैश मान लिया, और नीचे को मैंने पॉजिटिव मान लिया। वेलोसिटी ऑफ पुली आपका वी डैश आ गया है, जो कि क्या हो जाए, सॉरी, वो आपको क्या है, नीचे की तरफ 10 है, दैट इज इक्वल टू वी डैश प्लस ये वाला 10 डिवाइडेड बाई 2। अरे ये क्या हुआ है? V-dash की वैल्यू 20 माइनस 10, V-dash की वैल्यू क्या आ गई है? 10 पॉजिटिव आई है। मैंने इसका मतलब मैंने जो माना है वो ठीक है, मैंने नीचे माना है और नीचे पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि ये नीचे की तरफ जा रहा है। कौन? ये धागा नीचे की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। अलोंग दिस धागा रफ्तार सेम होनी चाहिए 10 10 10 10 10। इसका मतलब ये पुली भी नीचे की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। अब आपके पास सवाल इतना रह गया है, अगर आप पुली वन का डायग्राम बनाएंगे, तो पुली वन जो है इसकी नीचे की तरफ रफ्तार हमें क्या पता है? ये पुली नीचे की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि अलोंग दिस धागा जो है रफ्तार सेम होनी चाहिए, यानी कि पुली की रफ्तार भी आपके लिए नीचे की तरफ आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब और ये वाला जो ब्लॉक है यहाँ पे लगा हुआ है, इसकी रफ्तार हमें पता करनी है। फोटो थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूं मैं आपके लिए। अगर आप ध्यान से देखें, तो ये जो पुली है इसकी रफ्तार नीचे की तरफ आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो ब्लॉक है इसकी रफ्तार हमें प्राप्त करनी है। मैंने इसकी रफ्तार को नीचे मान लिया, माई लाइफ माई रोल, और यहाँ पे ये वाली रफ्तार होगी 0, क्योंकि ये यहाँ पे फिक्स है। मैंने नीचे को पॉजिटिव मान लिया, मैंने नीचे क्या मान लिया है? पॉजिटिव मान लिया। तो वेलोसिटी ऑफ पुली आपके लिए 10 है, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए, जो कि 0 हो जाएगा। इसको मैंने नीचे की तरफ वी माना है, तो वी हो गया डिवाइड बाई 2। अरे ये क्या हुआ? सॉल्व करके वी की वैल्यू 20 आ रही है पॉजिटिव। इसका मतलब मैंने जो माना है उसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब जो ये बी है उसकी रफ्तार क्या है? इसकी रफ्तार है 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी रफ्तार क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। अरे सवाल क्या बोल रहा है कि बी की रफ्तार तो 4x है। इसका मतलब 4x की वैल्यू क्या है? 20 मीटर पर सेकंड है, तो x की वैल्यू 5 आ गई। ये आपका आंसर हो गया। ये टफ सवाल था, मैंने बहुत सारी पुलियां डाल के तेरे को डराया, लेकिन लगा सकते हैं ना यार, लगा सकते हैं। कोई बहुत टफ है क्या? ये कंस्ट्रेंट के टफ सवालों में आता है। हाँ भाई, टफ एंग्जायटी से न्यूमेरिकल में बना के पूछा जा सकता है, तो मैंने यहाँ यहाँ क्यों करवाया? अभी तो मैं थोड़ी देर पहले तो बोल रहा था कि इजी सवाल था। अबे दिखाया है कि तू कर सकता है, तुझे इसका कोई एक पार्ट पूछेगा यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कर लेगा ना, कर लेगा।
या कर लेगी, डरने की कतई जरूरत नहीं है। तो ये आपका सेकेंड वाला जो है पुली ब्लॉक वाला कंस्ट्रेंट भी यहाँ पे खत्म हो जाता है, बेसिकली वो जो है स्ट्रिंग वाले कंस्ट्रेंट का ही स्पेशल केस है। अपन तीसरे वाले पे चलते हैं। तीसरा वाला जो है वो है आपका वेज ब्लॉक कंस्ट्रेंट। कौन सा वाला है? वेज ब्लॉक कंस्ट्रेंट है। अच्छे सवाल उस पर बनाए जा सकते हैं। हमारे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई बहुत डिफिकल्टी वाला हमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। बताता हूं मैं आपसे कि मान लीजिए हम ऐसे बात करते हैं, तीसरा वाला वेज ब्लॉक कंस्ट्रेंट, तीसरा वाला वेज ब्लॉक कंस्ट्रेंट, वेज ब्लॉक की बात करते हैं। इसमें अगर आप ध्यान से देखें, मान लो कि यहां पे मैंने एक वेज रख दिया है ना, ये वेज रखा हुआ है, और यहां पे मान लीजिए कि एक ब्लॉक टाइप का या इस तरह का कोई स्लाइडर यहाँ पे लगा दिया मैंने, यहाँ पे साइड में सपोर्ट लगा दिया ताकि ये नीचे आए। तो हमने बात की थी जो कॉमन सरफेस है, जो कॉमन सरफेस है इसके अलोंग, अगर ये वन है इसकी ये टू है, तो दोनों का कॉमन सरफेस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट, कॉमन सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, दोनों का रफ्तार सेम होगा, यानी कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी और रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होगी। बस यही कंस्टेंट है, अन्यथा क्या होगा, या तो इसके अंदर घुस जाएगा या फिर ये बीच में सेपरेशन आ जाएगी, दोनों पॉसिबल नहीं हो सकते। इसका मतलब आसान भाषा में क्या था कि भैया एक्स जो है वन, परपेंडिकुलर वन मस्ट बी इक्वल टू एक्स परपेंडिकुलर टू। परपेंडिकुलर का मतलब आप समझ गए ना, कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन में दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए। वेलोसिटी परपेंडिकुलर वन मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर वन मस्ट बी इक्वल टू एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू। ये तो बातें कर रहे हैं अपन फॉर फ्लैट सरफेस, फॉर फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस। मान लो कि सरफेस कर्व्ड हो, हालांकि वो आपके बहुत कम आएगा, फोर कर्व्ड सरफेस, मतलब क्या हो, फोर कर्व्ड सरफेस। फोर कर्व्ड सरफेस में क्या होगा, एक साइड से सर्कुलर पार्ट हो जाएगा ना, फोर कर्व्ड सरफेस। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू, कौन सी वाली, टेंजेंशियल वाली, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन हो गई ना भैया। मान लीजिए कि एक आइटम ऐसा है और दूसरा जो इसके टच में है वो ऐसा है, तो ये डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन जो होगी और इसकी एक्सेलरेशन, तो ये रफ्तार आपकी v12 है, v12 टेंजेंशियल वाली डिवाइडेड बाय r, तो ये क्या होगा, रेडियल एक्सेलरेशन आ गई, जो कि इसके बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह की भला ये आपका बहुत कम काम आने वाला है, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर उस वाले पॉइंट का, ये आपको बहुत ही कम काम आएगा, आपके काम का ये है। एक सवाल करते हैं बहुत हो जाएगा भाई साहब, वेज कंस्ट्रेंट में बहुत हो जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं एक आसान सा सवाल, मान लीजिए कि एक ब्लॉक है हमारे पास ऐसी ढूंढी सकल का एक ब्लॉक है, मैंने कहा ठीक है, और एक और ब्लॉक है मान लो कि ऐसे टच में है इसके, ऐसे बना देते हैं ना। अच्छा, ये ब्लॉक का नाम मान लीजिए अनीता है, ये वाले ब्लॉक का नाम क्या है, पपीता है। ये आपका वर्टिकल वॉल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल वॉल हो गया। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, हो। अब अगर आप ध्यान से देखें, मान लो कि ये जो है यहाँ पे ये है एंगल 37 डिग्री, है ना। अगर मैं ये बोलूं कि ये जो ऊपर वाला आइटम है ये नीचे की तरफ प्रस्थान कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, बताइए कि बी वाले की रफ्तार क्या होगी। ऑब्वियसली बी उधर जा रहा होगा, वी बताना है। एक लल्लू सा सवाल है, एक लल्लू सा सवाल यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं इसकी। आप तुरंत बताइए कि भैया बी वाले की रफ्तार क्या होगी। जानते हैं हम कि कॉन्टेक्ट सरफेस पहले पता करते हैं, फिर उसपे परपेंडिकुलर डालते हैं, फिर मैंने कहा उसके अलॉन्ग वेलोसिटीज लिखते हैं और इक्वेट कर देते हैं। यही तो आपका कंस्ट्रेंट है ना यार, यही तो कंस्ट्रेंट है। कर सकते हैं यहाँ पे, कर सकते हैं, करके देखिएगा आप। कॉन्टेक्ट सरफेस, जो कॉन्टेक्ट सरफेस है पहले उसको मार्क कर दीजिए। कहाँ है कॉन्टेक्ट सरफेस, मैंने कहा ये रही जो कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस है वो आपकी ऐसी है, टक 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 टक। ये एंगल क्या है यहाँ पे, ये एंगल है आपका 37 डिग्री, क्या है 37 डिग्री है। ए वाला जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है कितने रफ्तार से,
10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, और जो ये बी वाला आइटम है इसकी रफ्तार हमने v इस साइड मान ली है। अच्छा इस साइड का मानी, अबे उधर ही तो जाएगा, और कहां जाएगा यार, उधर ही तो जाएगा। अब हम लोग यूज करते हैं कंस्टेंट। कंस्टेंट क्या बोलता है कि कॉमन सरफेस में एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, इसके अलोंग रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो, यानी दोनों सेम होने चाहिए तभी रिलेटिव जीरो। ये आपका एंगल 37 है, तो ये वाला एंगल क्या हो गया है 37, ये आपका हो गया है 53, और ये 37 डिग्री है तो ये 53, यानी कि ये वाला हो गया है 37 डिग्री। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, तो tan cos 37 डिग्री इधर वाला कंपोनेंट होगा ब्लू वाले का, और v sin 37 डिग्री ब्लैक वाले का इधर कंपोनेंट होगा। ये दोनों इक्वल होने चाहिए तभी इनमें साथ प्रकरार रहेगा, और रह रहा है कंस्टेंट यही बोल रहा है कि भैया अगर ये साथ इनके बीच में यहाँ पे कॉन्टेक्ट है तो ये रफ्तार और ये रफ्तार क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अरे यही तो कंस्टेंट है भैया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपका tan cos 37 डिग्री, tan cos 37 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू v, ये आपका cos हो गया, ये sin वाला होगा अलोंग दिस नॉर्मल, जो कॉन्टेक्ट सरफेस के नॉर्मल वाला है वो कंपोनेंट आपका हो जाएगा v का इस डायरेक्शन में, v sin 37 डिग्री, v sin 37 डिग्री। tan cos cos 37 डिग्री आपके लिए क्या हो गया है 4/5 हो गया है, क्या हो गया है 4/5 हो गया है, दैट इज इक्वल टू v sin 37 डिग्री दैट इज 3/5, दैट इज 3/5 होने का। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार, तो 5 ने 5 की बत्तियां गुल कर दी, v की वैल्यू आ गई है आपके लिए 40/3 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो उधर की तरफ जा रहा होगा। तो ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं, तीन तरह के कंस्टेंट है। अब आप कोई सवाल, कोई सा भी सवाल आप उठा के देखेंगे, कोई सा भी सवाल अगर आप उठा के देखेंगे, जब आपके पास इक्वेशंस कम पढ़ने लग जाएगी, जब आपके पास इक्वेशंस कम पढ़ने लग जाएगी तो आपके मन में क्या आ जाएगा, आपके मन में आएगा कि आओ कंस्ट्रेंट यूज करते हैं, आओ कंस्ट्रेंट यूज करते हैं। जैसे आपको कोई बोले, जैसे कोई आपको यहाँ पे बोले, क्या कैसे बोले, मान लो कि मैं आपको एक सवाल बनाता हूँ, जस्ट अपन एक सवाल बनाते हैं, मैं आपको ऐसे बोलूंगी यहाँ पे एक ये हो गया, इसके ऊपर मान लेते हैं ब्लॉक है मास M का, यहाँ से पुली डाल देते हैं, ये हो गई पुली, और यहाँ से धागा ले जाते हैं हीटर, और यहाँ पे लगा देते हैं पुली, यहाँ पे लगा देते हैं मास M। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, ये पुली को ले जाते हैं इधर, यहाँ पे पुली, और यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने फिक्स कर दिया है ना लाला, क्या करेंगे लाला, क्या करेंगे, क्या करेंगे, आपको बोले कि दोनों का एक्सेलरेशन बताइए, ये बताइए, वो बताइए, सब बता सकते हैं ना, क्या होगा यहाँ का टेंशन, अगर आप टी मान रहे हैं तो यहाँ पूरे में टी होगा, ये ना ये धागा आपका मास लेस है और पुली भी आपकी फ्रिक्शन लेस है, यहाँ की टेंशन क्या हो जाएगी 2t हो जाएगी। अब आप बताइए इसकी एक्सेलरेशन इसकी सेम होगी क्या, नहीं, मैंने इसकी अगर एक्सेलरेशन को a1 मान लिया तो इसकी एक्सेलरेशन को मैंने a2 मान लिया। अब आप इक्वेशन लिखने बैठेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनाएंगे, mg minus 2t is equal to ma1, साइन ज्यादा हो गया क्या, mg minus 2t is equal to ma1, एक रिश्ता आ जाएगा। दूसरा रिश्ता यहां से ही, मैंने कहा ये एंगल अगर आप थीटा लेंगे तो ये आपका mg sin थीटा आ जाएगा, यानी कि t minus mg sin थीटा That is equal to m into a2, m into a2। कितने इक्वेशन हो गए हैं, दो, वेरिएबल कितने हैं, मैंने कहा a1 a2 a3 तीन अननोन हैं, किसकी जरूरत पड़ेगी, कंस्ट्रेंट की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, कंस्ट्रेंट की जरूरत पड़ेगी। ध्यान से देखें तो ये कंस्ट्रेंट रिश्ता आपको यहां हेल्प करेगा, है ना, ये धागा ले लिया है, लगा दिया हमने पॉइंट, अगर ये a1 है तो इस पुली का भी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन क्या होगा, a1 होगा। ये वाले पॉइंट के लिए क्या लिखूं भाई साहब, पॉइंट ब्लॉक के ऊपर है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने ऊपर माना है, माय लाइफ माय रूल्स मैंने ऊपर माना है, सॉल्व करके नेगेटिव आ गया, इसका मतलब जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्या लिखूं भाई साहब, लेंथ को कम कर रहा है तो माइनस ऑफ a2 आ जाएगा, माइनस ऑफ a2 आ जाएगा, 0 0 पुली रुकी हुई है भाई साहब, 0 0
ये ए वन से नीचे जा रहा है, ये वाली लेंथ को बढ़ाएगा, ये वाली लेंथ को बढ़ाएगा, यानी कि ए वन इसके लिए और ए वन इसके लिए, जीरो 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 इज इक्वल टू जीरो। काम की अगर बात देखें तो आपके पास क्या आ गया है, ट्वाइस ऑफ ए वन, ट्वाइस ऑफ ए वन इज इक्वल टू ए टू, ये आपको रिश्ता मिल गया है तीन। अब आप सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे कंस्टेंट ने हमारा यूज किया है, हमने कंस्टेंट का यूज किया है, इक्वेशन हमारे पास एक दो और तीन मिल गई है, वेरिएबल है हमारे पास ए वन ए टू एन टी, सोल्व करके सोल्व किया जा सकता है। मैं जस्ट ऐसे सिंपल सवाल बनाया कि ऐसे सवाल मतलब कंस्ट्रेंट की हमें जरूरत पड़ेगी सवालों को सॉल्व करने में, जब एक इक्वेशन कम पड़ जाए तो अब आप कंस्ट्रेंट के बारे में सोचिएगा, है ना। और बहुत कोई टफ सवाल हमारी जिंदगी में आते नहीं है, जो भी आते हैं हमने मतलब उससे अच्छी क्वालिटी के ऑलरेडी देख रखे हैं, बस आप बुकलेट सॉल्व कीजिए, 32 इयर्स प्रीवियस के जो भी सवाल हैं आज तक के उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए, और दूसरा कॉन्फिडेंट रहिएगा, जो भी है उस कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करते रहिएगा, है ना भाई साहब। बहुत बढ़िया, हमने अभी तक जो है कंस्ट्रेंट पे चले गए, नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में अपन बातें करेंगे, रेफरेंस फ्रेम की बात करेंगे, रेफरेंस फ्रेम की बात करेंगे वेइंग मशीन की, यानी स्प्रिंग और स्प्रिंग बैलेंस एंड वेइंग वेट वाली मशीन की बात करेंगे, और फिर सवाल करेंगे कट करने वाले सवाल, कटिंग वाले सवाल के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, और अच्छे वाले सवाल अपन सॉल्व करेंगे, फिर भी कुछ प्रीवियस ईयर के अच्छे सवाल सॉल्व करेंगे, और एनएलएम का रिवीजन, इतना ही तो कंटेंट है यार, इतना ही तो है एनएलएम, मतलब कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, खूब सवाल सॉल्व कीजिए, खूब सवाल सॉल्व कीजिए, जितने ज्यादा आप सवाल सॉल्व करेंगे उतना ही आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो अपना खेला जो है एक घंटे से ज्यादा नहीं निकल गया, तो खत्म करते हैं, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, अपने हेल्थ का भी खूब ख्याल रखिएगा, क्योंकि वो अच्छी रहेगी तो बाकी चीजें भी अच्छी होती जाएगी। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।